अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाय दिस इज असलम, आई एम मीरोफ। पिछले वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ सिक्स और सेवन्थ के साथ बात की थी। जो मैप स्किल्स मैंने स्टार्ट कराए थे उनको मैंने कहा था आप एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें ट्रेस पेपर पे या स्केल आता है आजकल वो प्लास्टिक वाला, उस पर वहीं से बाउंड्रीज होती है, उस पर भी कर सकते हैं। तो ट्रेस पेपर बेटर रहता है क्योंकि उससे बार बार प्रैक्टिस करने से अगर आप फिर इरेज करोगे फिर से प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेशन आ जाता है और इजीली आप अंडरस्टैंड करते हो और आप मैप को इजीली सीख भी जाते हो। एक टाइम फिर ऐसा आता है आप खुद मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये था वहां पे मैंने बेसिक कराया हुआ पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आज मैं सारी क्लास से बात करता हूँ, सिक्स सेवन एट नाइन टेन के सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं उन्हें ये बताऊंगा कि प्लीज मेहरबानी करके जो इस वीडियो को देख रहा हो एंड तक देखे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से टेक्निकल पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो ऊपर से नीचे तक जो है कहीं ना कहीं लैग करते हैं बच्चों के अंदर। इस वजह से नहीं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, बल्कि टीचर ने पढ़ाया होता है या तो नेग्लिजेंस की वजह से या उन बच्चों ने फिर पूछा नहीं है अगर उनको पढ़ाया गया। अभी जो इस वक्त मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं ये सिर्फ फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड है। तो आज लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया तब से टाइम, अब सारे बच्चे सिक्स से लेकर टेन तक इस मैप को प्रैक्टिस करें। ट्रेस पेपर लाए, दो चार लाए, पांच रुपए का एक आता है या चार रुपए का, और व्हाइट पेपर लाए। उसके बाद जब प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे फिर उस पर भी बनाने की कोशिश करें। बट मैप्स होना जरूरी है, मैप्स भी एक रुपए के आते हैं, बाजार से आप ला सकते हैं। तो इस वीक आप क्या करेंगे, इस वीक आप इस फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड को, क्योंकि इसमें सिर्फ आउटलाइन बनाना होता है, और जो दूसरा मैप मेरे पीछे है ये पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड है। पॉलिटिकल और फिजिकल में क्या फर्क होता है? फिजिकल में सिर्फ आउटलाइन दिखाया जाता है और पॉलिटिकल मैप में हर किसी कंट्री की बाउंड्रीज जो होती हैं मेंशन की हुई थी। मैं जूम कर रहा हूँ आपको, आपको दिख रहा होगा हर कंट्री का जो यहाँ पे बॉर्डर है वो इजिली नजर आ रहा होगा जब आप पोलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये पोलिटिकल मैप है, इसको भी आप प्रैक्टिस पूरे वीक के लिए करें, क्योंकि हम आपको फिर क्लास में भी ये पूछेंगे और इनकी जो है प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा एक क्लास हफ्ते में रखेंगे मैप बुक का। इन शॉर्ट पिछली बार आपको इंडिया का जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप है उसकी प्रैक्टिस मैंने कराई सिर्फ दो क्लास को, सिक्स सेवन्थ को। इस बार अगर कोई बच्चा इनका भी प्रैक्टिस करना चाहेगा पूरे वीक के लिए वो कर सकता है, क्योंकि ये उन्हीं के फायदे के लिए बेसिक स्टार्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ बताऊंगा थीमेटिक मैप क्या होता है। थीमेटिक मैप किसी भी कंट्री का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पीछे वीडियो के सॉरी स्क्रीन के पीछे वर्ल्ड का ले लिया है। तो वर्ल्ड में आपको कहीं भी दिखाना है सबसे ज्यादा वीट कहाँ निकलती है, कॉटन कहाँ निकलता है, राइस कहाँ निकलता है, उन एरियाज को मार्क करना है। तो दैट मीन्स उस मैप को हम थीमेटिक मैप कह सकते हैं, जहाँ पे सॉरी नेशनल पार्क्स दिखानी हो, सेंचुरीज दिखानी हो, वाइल्ड लाइफ दिखाना हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स दिखाने हो, या मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं वो दिखाने हो, वो थीमेटिक मैप कहलाते हैं। वो किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर भी हो सकता है, वर्ल्ड का भी हो सकता है और स्टेट का भी हो सकता है। तो अब आते हैं असली विषय पे। जो आज की वीडियो में मुझे आपको एंड तक यहाँ पे बताना है वो ये है, थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको पूरे जो है टेंथ क्लास तक बहुत फ्रूटफुल एंड यूजफुल आपके लिए रहेंगे। तो चलते हैं हम डिस्कस करते हैं, पहले लॉन्गिट्यूड्स फिर लेटिट्यूड्स, सबके लिए है। ये जो है ये पोल हमेशा नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला जो है साउथ पोल कहलाता है। चाहे मैप हो अर्थ का ग्लोब वाला जो पिक्चर आपको नजर आए कहीं से भी, राइट साइड हमेशा ईस्ट तस्वर किया जाता है और लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होता है। तो दैट मीन्स हमारे पास चार डायरेक्शन अर्थ की आई, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसमें कुछ एडिशनल होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, वो ये वाली डायरेक्शन है। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है ये डायरेक्शन। वेस्ट एंड साउथ के बीच में और एक डायरेक्शन होती है जिसे साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक। तो उसके बाद नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो ये सारी डायरेक्शन अभी तक आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो कुछ को नहीं होता है। अगर आपने मैप देखा होगा या ग्लोब देखा होगा तो उनके ऊपर कुछ लाइंस बनी होती है, कुछ खड़ी होती है, कुछ टेढ़ी सर्कुलर होती है। तो उन लाइंस को क्या कहते हैं और उनको क्या नाम दिया गया है? लाइक आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों चीजें, लेटिट्यूड भी दिखा रहा हूँ और लॉन्गिट्यूड भी दिखा रहा हूँ। तो लेटिट्यूड जो होते हैं ना वो हमेशा
इस पोजीशन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। ये वाली लाइंस जो है सर्कुलर है, इनको लेटिट्यूड्स कहते हैं, और ये हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होते हैं, ये हमेशा वर्टिकल होते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर इन शेप होते हैं, ये भी सर्कुलर होते हैं, मगर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं, उनको पोल्स कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनको सेम सर्कुलर लॉन्गिट्यूड्स क्या कहा जाता है। ओवरऑल कितने बनते हैं, 360 डिग्री के लिए लॉन्गिट्यूड्स ओवरऑल बनते हैं। ये था लॉन्गिट्यूड्स, ओवरऑल 360 है, 180 राइट साइड, 180 लेफ्ट साइड, यानी ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ लेटिट्यूड्स कितने होते हैं, इनमें इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, ये 0 डिग्री लेटिट्यूड होता है। तो फिर इस इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जितने भी लेटिट्यूड्स आते हैं ओवरऑल वो 90 आते हैं, और जितने भी साउथ की तरफ जाते हैं वो भी 90 आते हैं। तो 90 प्लस 90 होता है 180 डिग्री लेटिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने थे, 360 है। तो प्राइम मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है, और इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, ये 0 डिग्री लेटिट्यूड होता है। इसमें कुछ और दो पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड आते हैं, एक को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ग्लोब यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, इस पे आपको इजीली सारे लेटिट्यूड जो है सर्कुलर नजर आते होंगे। ये ग्रिड बना हुआ है, एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, टाइम और लोकेशन को पता कराने के लिए। वही मेरा असल मकसद है इस वीडियो में समझाने के लिए। तो लॉन्गिट्यूड जो है टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी टाइम जोन्स ये पता करते हैं, और लेटिट्यूड जो है ये टेम्परेट जोन्स के लिए होते हैं, ठीक, क्योंकि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से सीजन्स पे भी असर पड़ता है, डेज एंड नाइट्स पे भी असर पड़ता है। मैंने यहाँ दो लकीरें डाली है, एक रेड कलर की है, एक वो येलो कलर की है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इन दो लाइन से क्या होता है, जो इस वाले एरिया में यानी ये वाली कंट्रीज है, जब हम लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इनकी लोकेशन ढूंढते हैं, हम हमेशा लिखते हैं इनको नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। जब हम इन वाले कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन ढूंढते हैं तो हम हमेशा इनको लिखते हैं साउथ ईस्ट। फर्ज कर लो मुझे जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसको मैंने एनसर्कल किया, इसकी मुझे लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन पता नहीं है कि ये लेटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली कहाँ पे लोकेट करता है। तो जब मैं इसको लोकेट करने के लिए मैप पे जाता हूँ तो मुझे पहले इसको, ये ईस्टर्न साइड है इसका, ये वेस्टर्न साइड है, ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न है। अब मैं टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। टेक्निकली मैंने अभी कहा ये वाला ब्लॉक जो है ये नॉर्थ कहलाता है, और ये वाला जो है ब्लॉक साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये वाला साइड जो है ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, पहले हम देखेंगे ये किस वाले साइड में आता है, प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, ये प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में है। तो दैट मीन्स जब भी हम इसके लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे, ऑल्दो ये इसका वेस्टर्न साइड है, कौन सा वाला, ये इसका ईस्ट है और ये वेस्ट है, मगर जब हम लॉन्गिट्यूड्स की लोकेशन लिखेंगे हम हमेशा वेस्ट को भी ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट को भी ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड से आता है। और नॉर्थ जो इसका ये वाला पार्ट है और साउथ ये है, तो हम इक्वेटर को देखेंगे, इक्वेटर इसके ऊपर है, तो दैट मींस ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी इक्वेटर के साउथ में है। तो हम इसके नॉर्थ को भी साउथ लिखेंगे और साउथ को भी साउथ लिखेंगे, ये टेक्निकल पॉइंट मुझे समझा। अब यहाँ पे ले लो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो दैट मींस ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, मगर नॉर्थ को भी नॉर्थ लिखा जाएगा, साउथ को भी नॉर्थ लिखा जाएगा, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, तो इक्वेटर के वेस्ट में है, तो इसका ईस्ट भी वेस्ट होगा, इसका वेस्ट भी वेस्ट होगा, ये टेक्निकल पॉइंट। जब अब हम इंडिया की लोकेशन देखें, ये इंडिया का साउदर्न टिप है, ये इसका नॉर्दर्न है, तो इंडिया का नॉर्थ ये है, इंडिया का साउथ ये है, ये है इंडिया का ईस्ट और ये है इंडिया का वेस्ट। अब हम देखेंगे लोकेशन कैसे आएगी। तो आज की जो वीडियो है ये 6th, 7th, 8th, 9th और 10th सब के लिए है। इसमें ये मेरा लास्ट वीडियो होगा आपके साथ। मैंने ये दो वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि ये चीज कहीं कैरी ना करे आपके अंदर, ठीक है। इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्केल्स, बिकॉज़ ऑल दिस टर्म्स आर टेक्निकली वेरी साउंड एंड हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द मैप्स इन द सब्जेक्ट वी कॉल ज्योग्राफी, ओके।
सो ऑल इन ऑल दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू पीपल. लास्ट टाइम मैंने इंडिया का फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप आपको दिखाया था 6-7 के खाली बच्चे, जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में भी इस वक्त है और ऑलरेडी अपलोडेड है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्केल. ओके दिस इज स्केल. तो स्केल क्या होती है, कैसे होती है? लाइक स्केल में पहली चीज जो है यहाँ पे बताऊंगा, स्टेटमेंट स्केल मेंशन होती है किसी किसी मैप पे. और दूसरी टाइप की स्केल होती है जिसको हम वर्ड स्केल कहते हैं या राइटिंग स्केल कहते हैं, यानी सॉरी रिटन स्केल. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक इंच यानी एक इंच जो होती है वो बराबर होती है 4 miles के. तो अब आपको पता होना चाहिए कि माइल कितना होता है. ठीक है, हम लेते हैं 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meters. तो यहाँ पे माइल्स आ गया, तो किलोमीटर 1000 meters के बराबर है. तो मीटर कितना बराबर होता है, ये 39 inches के बराबर होता है, आया समझ? तो उसके बाद आता है 1 mile. तो 1 mile जो है वो बराबर होता है 1.609 kilometers के बराबर. तो दैट मीन्स 1 mile जो है किलोमीटर से बड़ा होता है. कितना बड़ा होता है, यूजुअली हम लिखते हैं 1.6 kilometer इज इक्वल टू 1 mile. ठीक है, तो ये यहां तक आपको ये वाला क्लियर हो गया. कौन सा वाला, 1 inch इज इक्वल टू 4 miles. तो दैट अगर आप मैप कोई पढ़ रहे हो उसमें एक साइड से दूसरे साइड तक 1 inch ले रहे हो, या 10 inch वाला मैप है, तो आपको इंटर करना है 4. ये टेक्निकल चीजें होती हैं जो मैप के अंदर हम सबको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, चाहे आप 6th से बिलोंग करते हैं, 7th, 8th से, 9th से, 10th से, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत हेल्पफुल होती है इन फ्यूचर. नेक्स्ट कम्स द स्केल दैट इज रिप्रेजेंटिंग और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं एक स्केल यूनिट जो है बराबर होता है रेशियो में 2,50,000 के बराबर अर्थ जो सरफेस यूनिट है. क्योंकि हम हमेशा जो है अर्थ सरफेस दिखाते हैं किस पे, मैप पे. तो दैट मीन्स अर्थ सरफेस के जो यूनिट्स है वो कितने बराबर है एक स्केल यूनिट के. तो यहाँ पे जो दूसरी स्केल है वो ली गई है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में. तो दैट मीन्स आपके अंदर फ्रैक्शंस जो है कभी कभार स्केल्स पे दिखाया होगा. तो 1 is to 2,50,000 अर्थ यूनिट, यानी 1 scale यूनिट इज इक्वल टू 2,50,000 अर्थ यूनिट्स. कितने आ गए, 2. नेक्स्ट कम्स द लीनियर बार स्केल, यानी 2 types की स्केल्स होती है, एक को लीनियर स्केल कहते हैं, दूसरे को बार स्केल कहते हैं. तो लीनियर स्केल में क्या दिखाया जाता है, 1 scale यूनिट माइल्स में दिखाया जाता है और बार स्केल यूनिट में किलोमीटर्स में दिखाया जाता है. तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 1 km किसके बराबर होता है, 1000 meters के बराबर होता है, और 1 mile होता है बराबर 1.6 km के बराबर होता है. मैंने दिखाया 1 scale यूनिट इज इक्वल टू 1,260 kilometers. तो दैट मीन्स ये बार स्केल है. मैं सपोज हमने ग्रीनलैंड ले लिया, ग्रीनलैंड का एक एंड वेस्टर्न साइड से ये है, ईस्टर्न साइड से ये है. ठीक है, इस चीज को ले ले. तो जब हम स्केल यूनिट देखते हैं मैप की, क्योंकि बार स्केल है, फर्ज कर लो, सपोज कर लो, लेट सपोज देयर आर 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स स्केल आ गए. तो हमें इनको कन्वर्ट करना है इनटू रियल अर्थ सरफेस जो यूनिट्स है. तो हम जानते हैं 1 scale यूनिट इज इक्वल टू 1,260 kilometers. नाउ लेट अस कन्वर्ट, देयर आर 6 units स्केल यूनिट्स. तो 6 into 1,260, वी नो दैट 6 0 0 6 0 36 3 carry 12 15 1 carry 6 1 7. So that means 7,560 kilometers is the distance from this end to this end. These scale units are converted in this manner so that you can understand the actual distance from the border to border. Now मेरी request है सबसे, चाहे वो किसी भी class से belong करते हो, 6th, 7th से belong करते हो, या 8, 9, 10 से belong करते हैं, इस physical map और political map को trace paper पे प्लीज कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, ताकि वर्ल्ड मैप भी आपको बनाना आए और चीजें सीखने को मिलती हैं कि आप इजीली अंडरस्टैंड करते हो. ऑस्ट्रेलिया इधर है फॉर एग्जांपल, इंडिया इधर है,
सऊदी अरेबिया इधर है, अफ्रीका ये है, साउथ अमेरिका ये है, इसमें चिली यहाँ पे है, ब्राज़ील ये है, अमेरिका इधर है यानी यूएसए, कनाडा इधर है, ग्रीनलैंड इधर है, रशिया इधर है। तो ये चीज़ें इंसान को खुद फिर आनी चाहिए। इन द एंड सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, सब कुछ जो है आपके बेनिफिट के लिए जो है वीडियो बनाते हैं, तो कम से कम इंसान को लगना चाहिए कि सामने जो देखता है उसने सराहा। तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ अपनी एक उंगली से थोड़ी सी मेहनत करनी है, सब्सक्रिप्शन बटन पे डालना है तो करना है, मुझे 1K तक पहुंचा तो बाकी मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, सी यू द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।